हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। जैसे कि आप जानते हैं, आपको हमारे चैनल पर दवाइयों की संपूर्ण जानकारी मिलती है कि जैसे वो काम कैसे करता है, कहां कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे काम करता है, क्या इसका कॉम्पोजिशन होता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटनिसोल इंजेक्शन के बारे में कि ये काम कैसे करता है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेटनिसोल इंजेक्शन जो है बेसिकली वो दो कंपाउंड से बना हुआ है। इसके अंदर एक बीटा मेथासोन होता है और दूसरा सोडियम फॉस्फेट होता है। इन्हीं दो मेडिकामेंट से ये बना हुआ है। अब बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। जो बीटा मेथासोन होता है बेसिकली ये बिलोंग करता है हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी को, यानी कि ये एक स्टेरॉइड की तरह काम करेगा। और साथ ही साथ में ये काम कैसे करेगा कि जो मीडिएटर्स होते हैं हमारे इंफ्लेमेशन के, जिनकी वजह से सूजन आती है हमारे शरीर में अंदरूनी हिस्सों में ज्यादातर, तो ये उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। मतलब कि जो बेसिकली मीडिएटर्स होते हैं इंफ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, ये उसको इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है। अब बात करेंगे कि इस्तेमाल कहां कहां पर करना चाहिए बेटनिसोल इंजेक्शन को। तो ये इंफ्लेमेशन कंडीशन को ठीक करता है और साथ ही साथ में ऑटो इम्यून कंडीशंस जो होती हैं, जिसमें हमारी इम्यूनिटी खुद की ही इम्यून सेल्स को खत्म करने लगती है, नष्ट करने लगती है, उन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में जब सूजन आ जाती है, रेडनेस, लाल हो जाता है शरीर हमारा, कहीं कहीं पर्टिकुलर एरिया से दर्द बढ़ जाता है, उस कंडीशन में बेटनिसोल इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में जब एलर्जी हो जाती है हमारे शरीर में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिन्हें कहते हैं, तब यूज करते हैं। जब हमें सांस की दिक्कत होने लगती है तब इसे इस्तेमाल करते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इस्तेमाल करते हैं, अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, गठिया बाय जिसे आप रिमाटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी हमारे त्वचा से, चर्म से संबंधित दिक्कतें होती हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसकी जो अमूमन डोज होती है, जो रिकमेंड की जाती है, 4 mg/ml, ये आपको बेसिकली आईवी रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट के थ्रू दिया जाता है, या फिर जो आपका फिजिशियन या डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है उसके अनुसार इसकी डोज और इसका रूट सेट किया जाता है। अब बात करेंगे कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। तो बेसिकली जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे उससे पहले इसका लेबल जरूर पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखेंगे, सनलाइट से एक्सपोज नहीं करेंगे अन्यथा ये खराब हो जाएगा, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और जो इसकी रिकमेंडेड डोज होती है, जो डोज आपको बताई गई है, उसे ओवरडोज नहीं करना है, उससे ऊपर नहीं बढ़ना है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो शराब का सेवन नहीं करेंगे, यानी कि अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है। कोई भी साइड इफेक्ट अगर आपको दिखाई देता है, आपको महसूस होता है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना जो बेटनिसोल इंजेक्शन होता है, ये काम कैसे करता है, किन चीजों से ये बना हुआ है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आज हमने बात की। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ।